करेंगे जुजू का, इन तलाकों का बटन उस पार है। तुम चिंता मत करो। बालवीर जल्दी करो बालवीर, उनके सलाखों को तोड़ने से पहले हमें ग्रीन सॉल्यूशन हासिल करना होगा। शिकोरा सकता है जुजू का। लेकिन इन अक्षरों के बीच में ये चिन्ह कैसा? कहीं इन चिन्हों से ये द्वार तो नहीं खुलता? हाँ, चलो गुडो। सेवकदास पकड़ इसे। और अब ध्यान से सुन, सिर्फ गद्दे को सुखाना है, किसी इंसान को या चीज को नहीं। हाँ। समझ गया? समझ गया। इसको कहाँ सुखाऊं? मेरे सर पे। ठीक है। अरे ये क्या किया तुमने? आप ही ने तो कहा था मेरे सिर पर रख दो, तो मैंने रख दिया। अरे उठा इसे। ये मार रे। अरे यार। सेवकदास, इस गद्दे को ना तुम बाहर जाकर धूप में सुखा दो, ठीक है? हाँ? और एक बात, ये गद्दे में जो रुई गिल्ली हुई है ना, उसे पूरी की पूरी सुखा देना, ठीक है? ठीक है। ए मालिक ने कहा था कि रुई सुखानी है, और रुई सुखाने के लिए तो गद्दा खोलना पड़ेगा। अरे इसने तो पूरा गद्दा फाड़ दिया। बाबूजी, बाबूजी, सेवकदास, तुझसे गद्दा सुखाने के लिए कहा था, तूने फाड़ दिया। नहीं मालिक, आपने कहा था पूरी की पूरी रुई सुखा दो। अब बिना गद्दा खोले पूरी रुई कैसे सूखती, इसलिए मैंने पूरा गद्दा खोल दिया। सेवकदास, बालवीर वो रहा ग्रीन सॉल्यूशन। रुक जा बालवीर। मैं शिकोरावासी नहीं बनना चाहता। बालवीर, यहाँ पर अदृश्य लेजर की किरणें हैं ग्रीन सॉल्यूशन की रक्षा करने के लिए। आगे मंचा। गुरुराव, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे बच्चों को बचाने के लिए ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। इस तरह तो मैं उस ग्रीन सॉल्यूशन तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम पहुंचोगे बालवीर। बालवीर, ये लो, ये चश्मा पहन लो, इसमें से तुम्हें लेजर रेज की रोशनी दिखाई देगी जिससे तुम आगे बढ़ पाओगे। गुडोरा, यहाँ पे तो हर तरफ लेजर की किरणें हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर की तरफ लेजर की किरणें नहीं है। बालवीर, लेकिन तुम ऊपर कैसे चढ़ोगे? बालवीर, मानव, मोंटू, अगर हम उस बॉक्स के अंदर चले गए फिर हम हमेशा हमेशा के लिए ब्लू शिकोरा वासी बन जाएंगे। अब तो सिर्फ हमें बालवीर ही बचा सकता है। बालवीर, बालवीर प्लीज कुछ करो, प्लीज हमें बचाओ। बालवीर, कहाँ लेकर जा रहा है दिशा सूचक यंत्र? हाँ, ले आया कहाँ मुझे दिशा सूचक? हाँ, है ये तो सास सूचक के परिवार का घर। हाँ, क्या होगा ये पे वो सेवक दास वाला डिब्बा? होना तो चाहिए, क्योंकि नहीं दिखाता कभी ये झूठा मार्ग ये दिशा सूचक यंत्र। चलो है अच्छा है वो सेवक दास का डिब्बा यहीं पे, और है मुझे पूरा विश्वास नहीं उठाएगा कभी ये सास सच्चों का परिवार उस डिब्बे का फायदा। लेकिन सेवक दास का क्या किया होगा उसने? बुरा हाल इन परिवार वालों का तो नहीं, जाना होगा मुझे अंदर जल्द से जल्द और करना होगा प्राप्त डिब्बा फिर से और ले जाना होगा सेवक दास को फिर से परिलोक। हाँ। देखे ना भैया, अचानक ही बंद हो गई है। जी मैडम, मोटर जाम हो गई है, इसे खोलकर ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, आप खोलकर देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए ठीक से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे मुझे बोला होता मैं इस उपकरण को यूं खोल देता। नहीं नहीं सेवक दास, ये काम तुम्हारा नहीं है। हाँ, अरे बहू मैं आई बापू जी, मैं हूँ ना, मैं जाकर देखता हूँ बापूजी को क्या काम है। ठीक है, लेकिन देखो कोई गड़बड़ मत करना सेवक दास। मेरे होते हुए कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हाँ, लाओ अंदर लाओ, अंदर लाओ। अरे बहू मैं, घर में कोई है क्या? इधर रख दो, इधर रख दो। वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये लो, ये ठीक है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। बढ़िया अलमारी है, अब अलमारी खोलते हैं। खुल क्यों नहीं रही है? अरे ये अलमारी खुल क्यों नहीं रही? क्या क्या? मैं हूँ ना, लाइए मैं खोल देता हूँ। तुम 2 कदम पीछे जाओ, मुझ पर इतना एहसान कर दो। 1 2 मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। मिली गया आखिर ये सेवक दास। अरे मिल गया सेवक दास तो, लेकिन है कहाँ उसका वो डिब्बा? अरे बिना डिब्बे के नहीं ले जा सकता मैं उसे। रहा वो डिब्बा। अब है सोचना मुझे ये कि इस बेवकूफ को डालूंगा कैसे उस डिब्बे के अंदर। इसे अरे ये अलमारी नहीं खुली तो घर वाले मुझे ताने मारेंगे कि ये भंगार कहाँ से उठा के लेके आए। ताने सुनने से तो अच्छा है कि सेवक की मदद ले लो। देखो सेवक दास, मैं एक बात कहता हूँ, वो ध्यान से सुनना। ये अलमारी है ना, वो जाम हो गई है, खुल नहीं रही है। तुम्हें सिर्फ इसे खोलना है और कुछ नहीं करना है, समझ गए? समझ गया मालिक, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं 2 मिनट में खोल दूंगा। तो एक काम करो, तुम 2 मिनट में इसे खोल दो, मैं 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ। ठीक है, आप खोल कर देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। क्या हुआ? मेरी अलमारी। अलमारी? अलमारी कहाँ है? ए, नहीं थी। से लेके आया था, 100 साल पुरानी अलमारी थी। ये देखिए, मैंने अलमारी खोल दी। अरे मैंने कहा था उसका दरवाजा खोल, लेकिन तूने तो अलमारी के पुर्जे पुर्जे खोल दिए ना। आपने ऐसा नहीं कहा था, आपने कहा था अलमारी खोल दे, तो मैंने अलमारी खोल दी। मिल गया मुझे उपाय सेवक दास को डिब्बे में बंद करने का। उस ग्रीन सॉल्यूशन तक पहुंचने का और बच्चों को बचाने का बस यही एक उपाय है मेरे पास। इसको ग्रीन सॉल्यूशन तक मत पहुंचने दे रहा हूं। आया पानी जी, बालवीर जी रोको इसे। बालवीर बचाओ, मैं बालवीर जी बचाओ। उसके हाथ में ग्रीन सॉल्यूशन है, तुम उस पे अटैक करोगे तो वो ग्रीन सॉल्यूशन नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी पर शिकोरा बसाने की तुम्हारी उम्मीद भी नष्ट हो जाएगी। देखो, हमें हमारा ग्रीन सॉल्यूशन वापस दे दो, तुम इसे लेके हमसे भाग नहीं पाओगे। अगर तुम्हें तुम्हारा ग्रीन सॉल्यूशन वापस आए तो तुम्हें बच्चों को शिकोरावासी बनने से रोकना होगा। देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, अगर तुमने बच्चों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे ग्रीन सॉल्यूशन को नष्ट कर दूंगा। रुको, इसे कुछ मत करना, हम तुम्हें बच्चे लौटाते हैं। तो चलो चलो चलो, बालवीर बचाओ। मानव, देखो, अभी क्या भी ये यंत्र बंद कर, वरना रुको। बालवीर जी, बालवीर, थैंक यू बालवीर, थैंक यू सेवकदार, मैं तुम्हारे पैर छू के माफी मांग रहा हूँ, मेहरबानी करके यहाँ से जाओ। गया? नहीं आए, कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मेरा नाम है सेवकदास, काम की रहती है मुझे प्यास। आपने निकाला था मुझे डिब्बे से, अब यही मेरा घर है और आप सब मेरे मालिक हैं। मेरा नाम है सेवकदास, काम की रहती है मुझे प्यास। अरे बाप रे, दो सेवकदास। अरे है नहीं असली सेवकदास, है ये तो बहरूपिया। असली सेवकदास तो हूँ मैं। झूठ बोलते हो तुम, असली सेवकदास मैं हूँ। वो अगर तुम असली सेवकदास तो दो इस बात का प्रमाण। हाँ, अभी देता हूँ। मालिक, आपको याद है ना कि आपने मुझे उस डिब्बे से बाहर निकाला था और मैं उस डिब्बे से बाहर आया था। बरोबर याद है। मिल गया ना प्रमाण? हाँ हाँ मिल गया प्रमाण, लेकिन इतना छोटा डिब्बा और इतना बड़ा आदमी जाएगा कैसे इसके अंदर? हाँ? अरे बनाना किसी और को मूर्ख। हाँ। अच्छा, तो तुमको यकीन नहीं होता कि मैं इस डिब्बे में जा सकता हूँ? नहीं। तो अगर मैं इस डिब्बे में जाऊंगा तो यकीन होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा यकीन, जरूर होगा यकीन। तो ठीक है, मैं अभी जाकर दिखाता हूँ। अच्छा तो दिखाओ, जाकर दिखाओ इसके अंदर। तो ठीक है, देखो। मिल गया ना तुम्हें प्रमाण? अब बाहर निकालो। नहीं नहीं, पहुंच गए तुम अपने सही जगह पर। तुम रहना वहाँ पर ही। हाँ, किया होगा तुमने बहुत परेशान इस परिवार को। करना मुझे क्षमा, असल में हूँ मैं एक जादूगर और खो गया था मेरा ये जादू का डिब्बा। तब से खोज रहा था मैं इसको। अगर दिया होगा इसने आप सबको कोई कष्ट तो वो मांगता मैं आप सबसे माफी। ओ भाई ओ, कष्ट की तू बात ही जाने दे भाई। अरे जबरदस्त कष्ट दिया है इसने हमें, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। अब भगवान तुम्हारा भला करे, हमारी जान में जान आई भाई। लेकिन इसे ले जाओ, ले जाओ तुम इसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे शुक्रिया तो करूंगा मैं आप सबका। शुक्रिया, बाय बाय। वापस जो जो शुक्रिया। बालवीर, हमने तुम्हें और बच्चों को छोड़ दिया। अब तुम जा सकते हो, लेकिन शर्त के मुताबिक। हमारा ग्रीन सॉल्यूशन हमको वापस दे दो। अगर मैंने ये ग्रीन सॉल्यूशन तुम्हें दे दिया तो हो सकता है तुम सब पृथ्वी लोक पर फिर से हमला करो और सारे इंसानों को पत्थर बना दो। नहीं, हम पृथ्वी पर हमला नहीं करेंगे। हम किसी दूसरे ग्रह पर ये ग्रीन सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम किसी दूसरे ग्रह पर अपना शिकोरा फिर से बसा सके, पृथ्वी पर नहीं। क्यों? दूसरे ग्रहों का जीवन जीवन नहीं होता क्या? अरे क्या सोच है आप लोगों की। आप सभी तो कहते हैं कि शिकोरा जीवित रहे, शिकोरा जीवित रहे, लेकिन शिकोरा जीवित कैसे रहेगा? क्योंकि आप सबने उसे जीने के लायक ही नहीं छोड़ा। आप सब आधुनिकता की दौड़ में इतने पागल हो गए कि आप सबने प्रकृति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, उसे नष्ट कर दिया। और अब प्रकृति के संकेत को समझने के बदले, उसे फिर से हरा भरा बनाने के बदले आप सब गलत रास्ता चुन रहे हैं। अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे के जीवन का अंत करना, ये कहाँ का न्याय है जुजुका? हाँ जुजुका, बालवीर सही कह रहा है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे, फिर वो आपका ख्याल कैसे रखेंगे? आप लोग क्यों नहीं समझते कि आप दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने की जगह अपनी गलती सुधारिए, इसी ग्रह को हरा भरा बनाइए, यहाँ पे पेड़ पौधे उगाइए। देखो, इतनी सीधी सी बात इन बच्चों को भी समझ में आती, लेकिन तुम लोगों के समझ में नहीं आई। अब चाहे तुम सब हमारे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी ग्रह पर हमला करने नहीं दूंगा। रुक जाओ जुजुका। बालवीर ने शिकोरा के अंत का नहीं, बल्कि शिकोरा को नए जीवन का रास्ता दिखाया है। कौन से जीवन का रास्ता खुटरा? कौन से? एक मिनट जुजुका, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, सही रास्ता। ये पौधा नहीं है बल्कि तुम सबके जीवन की एक नई शुरुआत है। ये तुम्हें सब कुछ देगा, हवा, पानी, आहार, सब कुछ। अगर इस प्रकृति को हरा भरा करने के लिए करते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। शुक्रिया बालवीर। अब हम इस एक पौधे से शिकुरा को फिर से हरा भरा कर देंगे। दोस्तों, ये बात केवल शिकुरा पर नहीं बल्कि पृथ्वी पर भी लागू होती है। हम सब अपनी आधुनिकता की दौड़ में पर्यावरण और प्रकृति को तो भूल ही गए। हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं बल्कि उसे नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, तरक्की करना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें आसपास के वातावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें पेड़ और जंगल कटने से रोकना चाहिए, बल्कि हमें और पेड़ पौधे उगाने चाहिए, क्योंकि जल और हवा के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि इन शिकोरा वासियों की तरह ही हमें कोई ग्रह ढूंढना पड़े जहां जाकर हम अपना जीवन बचा सकें। तो दोस्तों, अभी भी समय है, जागरूक हो जाइए और प्रकृति को बचाइए। चलो बच्चों, चलते हैं। चलो। Bye. Holi aayi re kanhaiya, holi aayi re, holi aayi re, वाह वाह, होली आने वाली है। होली मतलब खुशियों का त्योहार, मिठाइयाँ खाने का मजा आ जाएगा। जलेबी, रसगुल्ला, वाह वाह। नहीं बाबूजी, आप एक चीज भूल गए। क्या? कलाकंद, पेड़े, रसगुल्ले। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज और भूल गए। ये रॉकी, ये तूने क्या किया? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, क्या किया आपने? ये पूरी शर्ट खराब कर दी मेरी। ये होली को भी देर है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने शुरू नहीं किया, ये रॉकी ने शुरू किया। रॉकी, अब तू नहीं बचेगा। ये सब इसने शुरू किया। रॉकी भैया, लाइए। रॉकी भैया, होली आने से पहले हैप्पी होली। जानकारी कि है आने वाली होली, और ले आई आप मुझे यहाँ इस रंगलोक में। अब करूँ क्या इन रंगों के साथ चित्रकारी? ऐसे भी है नहीं आपका चेहरा अच्छा कि निकालूं आपका मैं चित्र। चुप। हाँ, करवाइए आप मुझे ही चुप, पर मत बुलाइए उस सारंगी परी को, है जिसने बुलाया हमें यहाँ। अरे है कहाँ वो नक्षत्री परी? सारंगी परी, सारंगी परी। सारंग, मैं हूँ सारंग, बुराई के रंगों से मिलकर बनेंगों से मिलकर दारंग, मेरे रंग करते बच्चों को तंग। स्वागत है सारंगी के रंगलोक में, आपका स्वागत है भयंकर परी। सिर्फ परी भयंकर का स्वागत, मेरा क्या करोगी नहीं इस श्री श्री तोबा तोबा जी का स्वागत? मांगेगा कौन माफी मेरा कीमती समय बर्बाद करने के लिए? मांगो माफी श्री श्री तोबा तोबा जी के। बस जैसे शैतान तौबा तौबा को रंगीन किया है, वैसे पृथ्वीलोक के एक एक बच्चे को मैं अपने बुराई के रंग से रंग दूंगी। ए बड़बोली सारंगी परी, है आसान मुझे रंग लगाना, लेकिन है नहीं आसान पृथ्वीलोक के बच्चों को बुराई का रंग लगाना, क्योंकि है रक्षा करता उनकी बालवीर, जो बार के सच्चाई का तीर देगा तुम्हारी बुराई को चीर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है? क्योंकि सारंगी बिना तैयारी के कभी मैदान में नहीं उतरती। याद रखना, मेरी हर चाल में एक चाल छुपी होती है। भयंकर परी, वो पेड़ देख रही हैं आप? क्यों नहीं दिखाई देगा ये पेड़ परी भयंकर को? अरे है वो अक्ल की अंधी, आँख की अंधी नहीं। भयंकर परी, 100 साल पहले आपने यहाँ एक पौधा उगाया था, बुराई का पौधा, जिसे मैंने बुराई का पानी देके एक पेड़ बना दिया, बुराई का पेड़। अब मैं इस पेड़ के फूलों के रस से एक रंग बनाऊंगी। लो, खुदा पहाड़ और निकली चुईया। एक साधारण सा रंग बनाने के लिए है बड़ा क्या तुमने ये पेड़? साधारण नहीं, एक बहुत ही असाधारण रंग, एक बहुत ही अनोखा रंग, बुराई का रंग, जो एक बार किसी बच्चे के चेहरे पे लग गया तो कभी नहीं छूटेगा, और जब तक वो रंग उसके चेहरे पे लगा रहेगा वो सब कुछ भूल जाएंगे। सारंगी के रंग करते सबको तंग। हाँ हाँ सारंगी परी, बताइए ये तो जरा, होगा क्या हमें फायदा बच्चों की याद मिटाने से? श्री श्री तौबा तौबा जी बोलिए। अब तक नहीं समझे? नहीं। जब बच्चे सब कुछ भूल जाएंगे तो अपने प्यारे बालवीर को भी भूल जाएंगे। और अगर बच्चे बालवीर को ही भूल गए तो बालवीर का क्या अस्तित्व रह जाएगा? और बच्चों की याद के साथ साथ बालवीर भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, हमेशा के लिए। सारंगी सारंगी सारंगी। और आज सुबह सुबह नाके नहीं आए क्या? जो इस टाइम में पानी भर रहे हो। वैसे तो मैं नाके कभी भी नहीं आता। क्या? मतलब ये मेरे नहाने के लिए नहीं है, ये उन किड्डियों को नहलाने के लिए। रुक मेरे पापा मेरे लिए स्पेशली ये पिचकारी जापान से लाए। जापान? अभी आप मुझे बनाना बंद करो। अरे चुप, देख इसकी स्पेशलिटी, ये देख इस टंकी के अंदर इतना पानी आता है, मैं अगर जिंदगी भर भी ये पिचकारी चलाऊं ना तो भी ये पानी खत्म नहीं होगा। ओ, इसकी और एक स्पेशलिटी है, इसकी पानी की धार है पतली और उसके अंदर इतना फोर्स है कि वो किसी को भी उड़ा सकती है। ओहो। बॉस, उन पिंजरे को उड़ाने से पहले एक सैंपल दिखाओ। गुड आइडिया। अरे 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 मैं नहीं तो वो। बॉस वो देखो आ गया आपकी शिकायत। हमें होली में जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी हम उसकी लिस्ट बनाएंगे और अपने पापा को दे देंगे, ठीक है? हाँ, आज ही दे देंगे। पिचकारियां, रंग, गुलाल और पटाखे। अरे बल्लू, होली है, दिवाली नहीं। हाँ, अब तो क्रिसमस भी सजाएंगे ना। अरे बाप रे, क्रिसमस गया बल्लू। हाँ। दियो, तुम्हारी लिस्ट विस्ट बाद में बना लेना, पहले मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के साथ थोड़ी होली तो खेलो। एक मिनट मोंटू, अभी होली आने में बहुत टाइम है, ठीक है? और अभी हम सब ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई है, अगर हम भीगे ना तो पीट दूंगी। एक भीगी बिल्ली एक सूखे आदमी को कभी नहीं पीट सकती। ये बस चुप। अब देखना मैं तुम सबको कैसे नहलाता हूँ। नहीं मोंटू। मामा 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 मोंटू 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 पीछे रहे। मोंटू नहीं। इस मोंटू द ग्रेटेस्ट शरारती को आज मजा चखाना ही पड़ेगा। भटका दी परी, भटका दी परी। बालवीर मामा 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 मोंटू मोंटू पीछे ना। मोंटू को सबक मिल जाए, उसकी पिचकारी से वो खुद भीग जाए। अरे केवल ये पिचकारी चल नहीं रही है। अरे बॉस, उधर है, इधर नहीं। अरे ये पिचकारी अटक गई है, मैं इसे हिला नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? ये सच्ची में ट्राई तो करो। दो ये जरूर बालवीर ने किया होगा। बनूसपुरी ने मेरे कानों पे ये पक्का रंग जो नहीं ले रहा छूटने का नाम। निकम्मे बेवकूफ, नहीं छूटेगा क्योंकि इस रंग को सिर्फ और सिर्फ मैं छुड़ा सकती हूँ। अगर ये रंग छुड़ाना चाहते हो तो जल्दी पैर चलाओ, जल्दी। बस एक बार ये जादुई रस शीशी में भर जाए, फिर मैं उसे होली के रंगों में मिलाकर उसे बच्चों पे लगाऊंगी और ऐसे रंग लगाकर मैं पृथ्वीलोक के एक एक बच्चे की याद मिटा दूंगी। फिर वो कभी सपने में भी बालवीर को नहीं बुला पाएंगे। मेरे रंग करते बच्चों को नादान परी, अरे है क्या समझती तू? है वो बालवीर नहीं बैठा रहेगा हाथ पे हाथ रख के। उसे बैठना ही पड़ेगा क्योंकि बालवीर तभी आता है जब कोई बच्चा उसे बुलाता है। और अगर बालवीर कोशिश भी करता है किसी बच्चे को बचाने की तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। बालवीर कभी नहीं जान पाएगा कि बच्चों को मेरे रंग से बचाने का और उसकी याद वापस लाने का क्या उपाय है। इस बार की होली बच्चों के लिए मजेदार नहीं, खतरनाक होने वाली है। सारंगी परी है भर गई है शीशी। सारंगी 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 बस यही रुकना, मैं तौलिया लेके आता हूँ। तौलिया क्यों? नहाने के लिए। ये पानी नहाने के लिए नहीं है, तो नहलाने के लिए। नहीं बस, मैं सुबह नहा के आया हूँ। ये तेरे नहाने के लिए नहीं है, ये उन पिद्दियों को नहलाने के लिए। इस बार पिचकारी से नहीं, सीधा बाल्टी से पानी डालकर नहला दूंगा। अच्छी बात है बॉस। वो देखो आ गए आपके शिकार। अबे बल्लू लल्लू, बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? रुक, पिछली बार तो बच गए लेकिन इस बार नहीं बचोगे। मैं गिला करके ही छोड़ूंगा। भटकाती परी, ये मोंटू का भी नहीं सुधरेगा। कोई बात नहीं, सुधरेगा नहीं तो फिर भीगेगा। परियो, होली का उत्सव बहुत ही जल्द आ रहा है। आप सबकी तैयारियां पूरी हुई या नहीं? जी बाल परी, हम परियां बच्चों की खुशियों के लिए कभी पीछे नहीं हटते। बालवीर, खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो भटकाती परी, खुश रहो, खुश रहो परियो, खुश रहो। अरे बालवीर, आप और भटकाती परी एक साथ? हाँ डाल परी, क्योंकि पृथ्वी लोक पर होली की धूमधाम शुरू हो चुकी है। बस उसका ही मजा लेने के लिए मैंने भटकाती परी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। अरे परियो, आप सब बालवीर की बातों पे मत आइए। हुआ ये था कि बालवीर, आपका सजा देने का ढंग तो बहुत ही निराला है। हाँ, सजा की सजा और साथ में होली का मजा। खुश रहो परी, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। अरे वाह, लगता है कि परिलोक में रंगों से सजे होली के त्योहार की तैयारी शुरू हो गई है। हाँ रानी परी, आखिर होली बच्चों का मनपसंद त्योहार जो है। और रानी परी, इस होली को और मजेदार बनाने के लिए हमने बच्चों के लिए बहुत सारी जादुई चीजें बनाई है। अरे वाह परियों, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार ये होली का त्योहार बच्चों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा। हाँ रानी परी, और बच्चों के लिए खुशी का माहौल यही खत्म नहीं होता, बल्कि होली के उत्सव के बाद परीलोक के महा उत्सव में हम पृथ्वी लोक से 5 अच्छे और सच्चे बच्चों को बुलाएंगे और उनके अच्छे काम के लिए उनका सम्मान करेंगे। हाँ दोस्तों, उन 5 बच्चों की चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो देर किस बात की? लिखकर भेजिए अपनी वो मदद या फिर वो अच्छा काम जो आपने दूसरों के लिए किया। हो सकता है उन 5 बच्चों में से आप भी हो एक बच्चा जो आ रहा है हमसे मिलने परीलोक में। हाँ बालवीर, हम भी उन 5 सच्चे और अच्छे बच्चों से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आ गई हूँ मैं पृथ्वी लोक के बच्चों के साथ होली खेलने आ गई हूँ मैं। मेरे रंग करते बच्चों को तंग, बहुत तंग। अब इस बच्चे को मैं अपनी याद भुलाऊ रंग का सबसे पहला शिकार बनाऊंगी। मैं समृद्धि नहीं हूँ। और तुम लोग कौन हो? मैं तुम लोग को नहीं पहचानती। ये ऐसे क्यों कर रही है? मैं बताती हूँ। ये ऐसे बात इसलिए कर रही है क्योंकि ये सब कुछ भूल गई है, और अब तुम लोग भी सब कुछ भूल जाओगे। हम बालवीर को बुलाते हैं। हाँ हाँ। सारंगी 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 मेरे रंग करते बच्चों को तंग। ये क्या कर रहा है कब से तू? फिस फिस फिस, ये किसी सांप ने काटा है क्या? बाबूजी मैं स्पाइडरमैन की एक्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन हमारे घर आने वाला है। घर आने वाला? हमारे घर? हाँ, 1 मार्च को स्पाइडरमैन हमारे घर आएगा। His greatest battle ever. Engage Cologne Sprays presents The Amazing Spider-Man 2, premiering 1st March, Sunday at 1 p.m. and 9 p.m. on Sony Pix. अरे वाह, ये स्पाइडरमैन तो बालवीर की तरह सब लोगों की मदद करता है। हाँ, आपने देखा बुरे लोगों को कैसे मजा चखा रहा था? हाँ, हाँ, बालवीर की तरह स्पाइडरमैन भी सभी बुरे लोगों को खूब सजा देता है। और इस बार तो इसकी सबसे बड़ी लड़ाई है इलेक्ट्रो के साथ। अरे वाह, तो मैं जरूर देखूंगी। हाँ, मैं भी देखूंगा। अरे हम सब बैठ के देखेंगे। हाँ। 1 मार्च को दोपहर को 1 बजे और रात को 9 बजे। हाँ, सोनी पिक्स पर। मानव, साथ-साथ टिफिन खाने में कितना मजा आता है ना? हाँ, मुझसे तो अकेले में खाया ही नहीं जाता है। और जब मैं अपनी बहन के साथ बैठता हूँ तो मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता हूँ। चल कुछ भी। हाँ सच में। चल अभी खा। अरे रे, कितने मासूम बच्चे हैं, इतने प्यार से भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हैं। लेकिन इन नादान बच्चों को क्या मालूम कि थोड़ी ही देर में ये रिश्ता तो दूर, इन्हें अपना नाम भी नहीं याद रहेगा। सारंगी, सारंगी, सारंगी। सारंगी सारंगी मेरे रंग करते बच्चों को तंग। मानो मैं अरे बल्लू कहाँ रह गया था? वो मैं पुस्तकालय गया। अच्छा तो भोजनालय जा। मेरा मतलब है कि क्लासरूम जा और अपना टिफिन लेके आ। हम लोग एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, मतलब खाना खाते हैं। हाँ हाँ अभी आता। बच्चों, हेलो आंटी। हेलो आंटी, मैं तुम्हारे साथ होली खेलना चाहती हूँ। बताओ खेलोगे मेरे साथ होली? स्मिता माँ आ जाओ, होली का सारा सामान आ गया। रंग भी आ गए और मिठाइयाँ भी आ गई। और रंग से भरी पिचकारी और नमकीन भी। नमकीन छोड़, क्या किया? क्या किया तुमने? अरे आपने तो बोला कि नमकीन छोड़, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नहीं, कहने का मतलब था कि नमकीन रहने दे, मिठाई में क्या है। बाबूजी रसगुल्ले हैं। अच्छा मोटा भाई बापूजी रसगुल्ले नहीं है, बापूजी अमृत लाल डगली है ना बापूजी। अरे मेरे कहने का अर्थ ये है कि बापूजी मैं रसगुल्ले लाया हूँ। अभी ये रसगुल्ले छूने पड़ेंगे कैसे हैं? बापूजी बहुत ही बढ़िया रसगुल्ले हैं, भोला हलवाई है ना उसने खास होली के अवसर पर बनाए हैं, ताजा लेके आया हूँ। ताजा है फिर भी चेक करने पड़ेंगे। महेश के बापूजी ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वाई वाई कस्तूरी गलती से ही सही, लेकिन तुम सही इंग्लिश बोलिए। स्लीव माय इंग्लिश एंड बेल मी। आप मिठाई क्यों खा रहे हैं? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना। अरे मैं मिठाई खा नहीं रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कहीं वो भोला हलवाई ने महेश को उल्लू तो नहीं बनाया। तो बाबूजी क्या पता चला कि दुकानदार ने हम दोनों को उल्लू बनाया? अभी तक पता नहीं चला, और एक दो खाने पड़ेंगे। महेश के बापू नहीं, रसगुल्ले नहीं, रसगुल्ले नहीं खाना है। अरे रॉकी पिचकारी तो देख, उसमें धार ठीक से है कि नहीं। हाँ, अभी चेक करता हूँ। देखो धार है ना बरोबर। हाँ, हाँ, देखता हूँ देखता हूँ। ये तूने क्या किया? अरे आप ही ने तो कहा था इसे चेक करने को। जैसे आपने ये रसगुल्ले खा के चेक किए, मैंने पिचकारी को चेक किया। मार कि कहीं हम दोनों को बेवकूफ तो नहीं बनाया दुकानदार ने। अरे वाह वाह, इसे कहते हैं पाइन पे पेन। अरे पाइन पे पेन नहीं, 9 पे 10 मतलब नहले पे नहला। हाँ वो वही, सेम टू सेम। महेश वैसे आप ये होली का सामान सब एक साथ लेकर आए ना, बहुत अच्छा किया। ये सामान देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। इस बार हमारे बच्चों की होली हैप्पी और सुरक्षित हो। भाई बिगाड़ रहा डूबा डूबा एक, हमें होली से पहले क्या भागो। रुको वरना करनी पड़ेगी तुम्हें रानी महल के सीढ़ियों की सफाई दिन में 3 बार। हाँ अब गए कैसे रुक डूबा डूबा भाइयों, अब जाओगे कहाँ बच के? खूब भिगोता अभी मैं तुम्हें पिचकारी के पानी से। नहीं लगा नहीं लगा, डूबा डूबा एक का निशाना नहीं लगा। खत्म हो गया है तुम्हारी पिचकारी का पानी, अब भिगाओगे कैसे हमें? अच्छा ये ऐसे डूबा डूबा भैया है नहीं, ये कोई मामूली पिचकारी है, ये जादुई पिचकारी। नहीं होता कभी खत्म इसका पानी, समझे? और समझाओ बच्चों, बोलो ना खेलना चाहते हो अपने जीवन की सबसे अच्छी होली? बोलो बच्चों, लगवाओगे अपने चेहरे पे मेरा रंग जो तुम्हें सब कुछ भुला देगा? क्योंकि इससे पहले तुमने इतनी अच्छी होली तो कभी नहीं खेली होगी। चलो होली खेलते हैं। 1 मिनट आंटी, हम आपके साथ होली खेलेंगे, जरूर खेलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमारी होली सिर्फ तभी स्पेशल हो सकती है जब बालवीर हमारे साथ होली मनाएगा। अरे वाह, क्या आइडिया है! थैंक यू मानव, और आपको भी थैंक यू आंटी, क्योंकि आपकी वजह से हमें बालवीर के साथ होली खेलने का आइडिया आया। थैंक यू। ये बच्चे क्या खिचड़ी पका रहे हैं। चल मानव बालवीर को बुला दे। लेकिन बच्चों चल मानव बालवीर को बुला दे, बालवीर को बुला दे, बालवीर को बुला दे। बालवीर 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 ने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे तुरंत कहीं छुपना होगा। बालवीर बच्चों क्या हुआ? अब तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर, सब कुछ ठीक है। तो एक्चुअली हमें एक बहुत अच्छा आइडिया आया, वो भी है ना आंटी की वजह से। नहीं, लगाने दीजिए गाल परी, थोड़ा सा रंग तो लगाना पड़ेगा। हाँ, इससे कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत। नहीं नहीं यार परी, हमें लगता है कि ये रंग आसानी से नहीं छूटेगा। अरे गाल परी, आसानी से छूट जाएगा, और ये जादुई रंग है, और इस रंग को खास हमने आपके लिए बनाया। नहीं, तब तो हम ये रंग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये रंग तो और भी गहरा होगा। नहीं नहीं, देखिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। परियो, ये सब हो क्या रहा है? रानी परी, हम सब होली खेलने का अभ्यास कर रही हैं। होली? लेकिन होली के त्योहार के आने में अभी बहुत समय बचा है। रानी परी, हमारे ख्याल से सारे परियों ने होली के लिए जो विशेष चीजें बनाई है ना, उसी का परीक्षण कर रहे थे। क्यों परियो? हाँ बाल परी। अरे वाह बाल परी, फिर तो हम भी इस परीक्षण को देखना चाहेंगे। तो परियो, दिखाइए हमें आप सब ने क्या क्या बनाया है। जी रानी परी, हम सब ने होली के लिए एक विशेष पिचकारी बनाई है। और इस पिचकारी की खूबी ये है कि इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता, और इस पिचकारी से होली का मजा भी दुगना होगा और पानी की बचत भी होगी। ये पिचकारी तो सचमुच बहुत अद्भुत है, और इसे पाकर बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। देखा गई, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? नहीं। Anyways, actually बालवीर, हम चाहते थे कि इस बार की होली हमारी सबसे बेस्ट होली हो। हाँ, और वो सिर्फ तभी हो सकती है जब तुम भी हमारे साथ होली मनाओगे। हाँ। मैं? Please बालवीर, मनाओगे ना हमारे साथ होली? बच्चों। Please? हाँ बालवीर, माना मेहर सही कह रहे हैं, हम सब भी तुम्हारे साथ होली मनाना चाहते हैं। बालवीर, क्या सोच रहे हो? नहीं खेलोगे हमारे साथ होली? तो ठीक है, अगर तुम हमारे साथ होली नहीं खेलोगे, फिर हम बच्चे भी वादा करते हैं कि हम होली खेलेंगे ही नहीं। हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे, और ना ही हम तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाएंगे। हाँ। अरे बच्चों, वो तो तुम सब वैसे भी नहीं बुला पाओगे, क्योंकि तुम सब बालवीर को भूलने वाले हो, हमेशा के लिए। ठीक है बच्चों, अगर तुम सबका इतना ही मन है तो मैं तुम सबके साथ होली मनाने के लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि तुम सबकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। थैंक यू बालवीर। बच्चों, मैं वादा करता हूँ कि इस साल की होली तुम सबकी सबसे खास होली होगी। नहीं बालवीर, इस बार ये बच्चे होली मनाना तो दूर, होली के त्योहार को याद भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इस बार की होली खुशी नहीं, इन बच्चों के लिए डर लेके आएगी। सारंगी के रंग करते सबको तंग। बच्चों, अब मैं चलता, ठीक है? हाँ। ठीक है बालवीर। यस। तो दोस्तों, अब हम लोग जाते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं कि इस बार की होली बालवीर हमारे साथ मनाएगा। हाँ, और मैं भी अपने दोस्तों को बताकर आता हूँ कि बालवीर हमारे साथ होली मनाने वाला है। हाँ। ये देखिए रानी परी, ये हमने जादुई रंग बनाया है। ये रंग लगाते ही कुछ ही देर में अपने आप छूट जाता है। अभी आपको दिखाते हैं। अभी देखिएगा रानी परी, कुछ ही देर में ये रंग गायब हो जाएगा। बाल परी, ये रंग तो सचमुच गायब हो गया। हाँ रानी परी, इसकी विशेषता यही है कि इस रंग से बच्चे होली और भी ज्यादा खेल पाएंगे। हाँ रानी परी, और ये रंग लगाने के बाद बच्चों को रंग उतारने के झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। रानी परी, हमने हल्के फुल्के रंग वाले जादुई गुब्बारे बनाए हैं, ये देखिए। रानी परी, इस गुब्बारे की विशेषता ये है कि ये गुब्बारा किसी को नहीं लगेगा। इसमें पानी नहीं बल्कि खुशबूदार रंग निकलेंगे। अरे वाह बाल परी, इसमें तो सचमुच बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। परियों, आप सब ने बच्चों के लिए बहुत ही मजे की चीजें बनाई है। हमें आप सब पर गर्व है। शाबाश। शुक्रिया रानी परी। हर परियों, आपके द्वारा बनाई गई इन चीजों को देखने के बाद हमें पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार बच्चों का होली का त्योहार बहुत ही विशेष होगा। जी रानी परी। सुनो, अरे अब तो वही आंटी है ना जो थोड़ी देर पहले हमारे पास आई थी होली खेलने के लिए। हाँ, और अब मैं तुम्हारे साथ होली खेलूंगी। और जब एक बार ये रंग तुम्हारे चेहरे पे लग गया तो ये कभी नहीं छूटेगा। नहीं, देखो मैं बालवीर को बुलाऊंगा। हाँ। सारंगी 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 सारंगी, मेरे रंग करते बच्चों को तंग। अरे आप कौन हो और मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये अपने आप कैसे गायब हो गई? मानव, 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 ओहो, तो तूने भी होली खेल ली, वेरी गुड। लेकिन तुझे क्या हो गया था? मैं कब से तुझे बुला रही हूँ, फिर तूने जवाब क्यों नहीं दिया? अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुझे रंग लगा देती हूँ। एक मिनट, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे डांट रही हो। बस मानव, अभी 1 अप्रैल आने में बहुत टाइम है, ठीक है? मुझे बेवकूफ मत बना वरना पीट दूंगी। एक मिनट, ऐसे कैसे पीट दोगी? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे मानव मानव क्या लगा रखा है? कौन है मानव? हाँ, अरे ऐसे क्या हो गया? अब तक तो ठीक था। परियों, आपके द्वारा बनाई गई हुई चीजें पाकर बच्चे बहुत खुश होंगे। हाँ रानी परी, लेकिन इस बार उपहार देने से काम नहीं चलेगा। आपको पृथ्वी लोक पर आकर बच्चों के साथ होली भी खेलनी पड़ेगी। हम सबको? बालवीर, ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ माँ, मैं पृथ्वी लोक के बच्चों से वादा करके आया हूँ कि इस साल की होली उनके लिए सबसे खास होली होगी। और उनके लिए इससे खास क्या होगा कि आप सब उनके साथ होली खेलें। लेकिन बालवीर, हम सब लोग परी रूप में होली कैसे खेल सकते हैं? गाल परी, हम परी रूप में होली नहीं खेल सकते, लेकिन पृथ्वीवासियों के रूप में तो होली खेल सकते हैं। हाँ रानी परी, ये बहुत ही अच्छा होगा। हाँ बाल परी, इसलिए हमने तय किया है कि इस बार हम होली का त्योहार पृथ्वीवासियों के रूप में पृथ्वीलोक में बच्चों के साथ मनाएंगे। फिर तो इस बार की होली बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत खास होगी। हाँ। तो दोस्तों, देखा ना आप सबने कि रानी परी ने क्या कहा। सबसे पहले हम आप सबके साथ पृथ्वी लोक पर होली खेलने आएंगे और फिर उसके बाद हम आप में से किसी भी 5 सच्चे और अच्छे बच्चों को लेकर परी लोक आएंगे और यहाँ के सम्मान समारोह में उनका सम्मान करेंगे। तो बच्चों, देर किस बात की, लिखकर भेजे अपनी वो मदद या फिर वो अच्छा काम जो आपने दूसरों के लिए किया हो। आपको पता है ना कि चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन है वो पहला बच्चा जो मुझसे मिलने और रानी परी से मिलने परीलोक आ रहा है। हो सकता है वो आप हो। एक मिनट मानव, एक मिनट। क्या है? देख मानव, मस्ती करना बुरा नहीं है, लेकिन इतनी भी मस्ती मत कर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज रोक दे। अरे तुम्हें टेंशन हो रही है तो मैं क्या करूँ? अरे मानव क्या लगा रखा है? मैं कितनी बार बोलूँ कि मैं कोई मानव नहीं हूँ। और प्लीज तुम मुझे परेशान करना बंद करो, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत कंफ्यूज हूँ। देख मानो, कंफ्यूज तो तू मुझे कर रहा है, अब एक्टिंग करना छोड़ दे, अभी एक्टिंग करना। एक मिनट, देखो ना मैं मानव हूँ और ना ही मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मान लिया कि तू मानव नहीं है, ओके, लेकिन मैं तो हूँ ना महक, मैं तो हूँ ना तेरी बहन। अरे कितनी जिद्दी लड़की हो तुम, एक बार में बात समझ नहीं आती है। देखो ना मैं मानव हूँ और ना ही मेरी कोई बहन है। देखो ना मैं मानव हूँ और ना ही मेरी कोई बहन है। मानव मस्ती मस्ती में अपने आप को भूलने की एक्टिंग कर सकता है, पर वो कभी भी मुझे अपनी बहन मानने से मना नहीं कर सकता। इसको पक्का कुछ हो गया है।